हर वक्त आपको रखे बाखबर, हमेशा सच की खबर पर न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पर न्यूज से जफर नजीर बात करूँ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शहर शहर हो रहा है। न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में शहर शहर एहतजाज हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के शहर भी इसी एहतजाज में अभी देखा जा रहा है। लेकिन इस एहतजाज की जो बेस है, जहाँ से जो एहतजाजी तहरीक का आगाज किया गया, रावलाकोट शहर से आगाज़ किया गया, और आज से 118 दिन कबल जो रावलाकोट में जहाँ पे एहतजाज किया गया, उस एहतजाज के बाद जो है धरना दिया गया, एहतियाती धरना ताहाल, और ये रावलाकोट सुपलाई बाजार में एहतियाती धरना भी वहाँ कायम है, और उसके बाद जहाँ पे कचहरी एरिया में भी एक धरना दिया गया, और उसके बाद जो धरनों का जो सिलसिला पूरे आज़ाद कश्मीर भर में शुरू हो गया। अगर कोटली की बात की जाए तो कोटली में भी 20 जगहों पे धरना मौजूद है इस वक्त, मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद में भी जो जैसा जो 31 अगस्त को जो एहतजाज किया गया वो भी तारीख साथ एहतजाज था। इस हवाले से जो 5 दिसंबर को जो रावलाकोट ना सिर्फ बल्कि पूंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में जो एहतजाज का ऐलान किया गया है, जो एहतजाज में अनमन ताजरान जिन्होंने शटर डाउन जो वहाँ पे हड़ताल की जाएगी उस रोज़, और साथ साथ ट्रांसपोर्टर की जानिब से भी पहिया जाम किया जाएगा। गो के कह सकते हैं कि जो निज़ाम ज़िंदगी है मकम्मल तौर पे बंद रहेगा, मार्सवाए जो मेडिकल स्टोर और एमरजेंसी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अनमन ताजरान रावलाकोट के सदर अमनजीत साहब। अमनजीत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खराब ये सेहत के बायस हमें टाइम दिया और हमसे कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आप यहाँ पे हाजिर हुए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी जो तहरीक है इसने पूरे मुल्क को अपने पेट में ले लिया, और आज ये सूरत हाल है कि जो बंदा जो इसका हिस्सा नहीं भी था, जो भी है सियासी है समाजी है, वो इस तहरीक का अपने आप को हिस्सेदार समझ रहा है। तो आप जो 5 तारीख को आपने जो पूंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में जो हड़ताल की कॉल दी थी, इस हवाले से बात करेंगे। बुनियादी तौर पर जो हमने 9 मई को यहाँ रावलाकोट सप्लाई बाजार में एक एहतियाती धरने से इस तहरीक का आगाज़ किया था, इब्तदाई तौर पर हमारा जो आटे पे सब्सिडी की बहाली और जो हालिया उसमें कीमतों का बेताशा इजाफा किया गया था उसके खिलाफ, और बिजली के बिलात के अंदर जालमाना जागरण टैक्सीज के खिलाफ, और हुक्मरान तबकात की जो है ब्यूरोक्रेट्स जजेस इंसानों की जो मरात है उसके खिलाफ था। तो इसमें ये जिस तरह आपने जिक्र किया कि इब्तदाई तौर पर से रावलाकोट की हद तक ये हमारी तहरीक थी, लेकिन बाद में पूंछ डिवीजन और पूंछ डिवीजन से होती हुई आगे रियासत ये तहरीक बन चुकी है। 3 अगस्त को हमारा पूरे इस हमारे पूरे इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट भी हुए, भरपूर प्रोटेस्ट हुए, और 3 अगस्त के बाद ही हमने ये ऐलान किया था कि हम इस तो 2-3 ऐलान हमने किए थे कोटली के अंदर, हमारा ग्रैंड इजलास हुआ था जिसमें कि हम बिजली के बिलात का बाइकाट करेंगे, और साथ ये है कि 31 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 5 सितंबर को पूंछ और मीरपुर डिवीजन के अंदर भरपूर हड़ताल की जाएगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जैसा आपने देखा कि इसी सिस्टम में 31 अगस्त को एक भरपूर तारीख साफ पहिया जाम और शटर डाउन वहाँ की एक्शन कमेटी अनुमान ट्रांसपोर्ट के साथ उन्हें मिल के वहाँ पर किया, और इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी जो है उसी पर अभी 5 सितंबर को हमारा यहाँ पे अनुमान ताजरान ट्रांसपोर्ट और जवामी एक्शन कमेटीज वकला और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सियासी जमातों के जिम्मेदारान सारों के जेर तमाम जो है हमारा 5 सितंबर को जो है पूंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के अंदर, इस डिवीजन दोनों डिवीजन के अंदर जितने भी हमारे अजला हैं उसमें बाग है, पूंछ है, अवेली है, सुदनौती है, इसी तरह मीरपुर के अंदर मीरपुर कोटली और भीमबड़ हैं, इन सारे अजला के अंदर जो है हमारा 5 सितंबर को भरपूर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। अमर साहब, ये बताइएगा, ये मुजफ्फराबाद की जो एहतजाज था 31 अगस्त को, तो उसमें ये तंदूर जो थे वो भी बंद थे, होटल भी बंद थे, तो आपका जैसा दिन यहाँ ग्रैंड इजलास हुआ जिसमें मीरपुर कोटली और पूंछ डिवीजन के जो रहनुमा हैं, ताजर रहनुमा हैं, ताजरान के रहनुमा, उन्होंने शिरकत की, तो इस इजलास के बाद कोई जो अलामिया जो आपने जारी किया उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएंगे। इसमें अलामिया तो यही था हमारा कि एक तो यह है कि 5 सितंबर को भरपूर अंदाज में हमारा पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी, और उसमें जो हमने ऐलान किया है कि एक तो पहिया जाम होगा
जो जो हमारे छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं वहाँ ही मुकामी सतह पर प्रोग्राम किए जाएँ, बजाय इसके कि बड़े शहरों में आने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ज़ाहिर पैया जाम होगा, लोगों के लिए मुश्किल होंगी। तो उस हवाले से ये है कि हमारे जितने छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट भी होंगे, वहाँ पर शटर भी डाउन होगा, पहिया भी डाउन होगा। और एक ख़ास बात शायद मैं उसको आपको बता दूँ कि जो इस हवाले से है कि हमने जबरन जो है ना शटर डाउन करवाना है और ना ही जबरन पहिया जाम करवाना है। किसी जगह पर हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी। हमारी जो तहरीक से वाबस्ता लोग हैं उन सबको हमने बता दिया है कि ना हमने कहीं टायर डलाना है, ना कहीं दरख्त काट के फेंकना है, ना कहीं पत्थर फेंकने। हमने अवामुन्नास से ताजर बरादरी से अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से, क्योंकि कल हमारे इलाज के अंदर के सारे लोग मौजूद थे, ट्रांसपोर्टर्स के जिम्मेदार भी मौजूद थे, उनसे और फिर अवामुन्नास से हमने अपील करनी है कि वो 5 सितंबर को इस जुल्म और जबर के खिलाफ अपने मुतालबात के लिए, अवामी हकूक के लिए जो है वो बाहर निकलें और रजाकाराना तौर पर वो अपना इसमें हिस्सा डालें। किस जो जिसके पास अपनी प्राइवेट गाड़ी है वो भी गाड़ी ना निकाले, जो जहाँ भी दुकान करता है छोटे शहर में बड़े शहर में वो अपनी दुकान को जो है शटर डाउन करे, बंद करे उसको। ये रजाकाराना तौर पर हमारी अपील है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे। और कहीं भी जो भी अगर कोई रुकावट खड़ी करता है वो हमारी तहरीक ऐसा नहीं है, हमने कहीं रुकावट ना रुकावट खड़ी करनी है, ना कहीं कोई जबर का इस्तेमाल करना है। हमने अपील की है आवाम से क्योंकि वो रजाकाराना तौर पर इस तहरीक का अमली सबूत दें कि हम इस तहरीक का हिस्सा है। जी आपने बताया तो 5 तारीख की जो हड़ताल यहाँ पे हो रही है पूंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में, इसमें जो गवर्नमेंट जो स्कूल थे और जो प्राइवेट थे उन इतला तो ये आ रही है कि वो उन्होंने बंद रखने का फैसला भी कर दिया है। तो उसके अलावा भी अगर आपके इस काल पे कहाँ किस कारोबार की अगर थोड़ी सी गुंजाइश आपने निकाली है तो वो बता दें। मेडिकल स्टोर के ऐप के अगर कोई कारोबार जिसकी आपने इजाज़त दी है कि उसको अपन रख सकते हैं तो वो भी नाजरी को बता दें। इसमें जो है बास चीज़ें हमने लोकली जो है जो हमारे शहर हैं उनके उस पर रखे हैं कि अगर वहाँ पे लोकली कोई किसको बंद करना है किसको नहीं बंद करना। जैसे जनरली जो है हमारा ये है कि जो कोई हेल्थ के हवाले से मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक है कोई हॉस्पिटल है उसको छोड़ के बाकी जितने भी कारोबारी ज़िंदगी और मतलब होगी हमारे पेट्रोल पम्प्स हैं और इस तरह तमाम शोबा ज़िंदगी के जितने भी हैं, ये हमारी A1 day का ये हमारा दाल है। तो इसमें जिस तरह आपने पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में देखा कि मुकम्मल तौर पर वहाँ शटर डाउन था, कोई होटल्स वगैरह कोई पेट्रोल पम्प कोई चीज़ वहाँ पे खोखा वगैरह नहीं खुला था। इसमें भी हमारा ये पहले मरहल में पिछली हड़ताल में हमारा ये नहीं था, होटल और मेडिकल स्टोर हमने उससे मुस्तस्ना करा दिए थे। अब की बात जो है जो इज्तमाही राय बनी थी वो यही है कि इसमें होटल वाला है सब्जी वाला है या कोई बेकर्स वाला है या कोई भी है किसी शोबे से ताल्लुक रखा है वो अपनी कुर्बानी दे वो रजाकाराना तौर पर जो इससे इसका हिस्सा बने। हमारी तरफ से भी एक मेडिकल स्टोर और जो क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स वगैरह वो जो है मुस्तैद। दूसरी बात जो आपने कहा प्राइवेट स्कूल्स या सरकारी स्कूल हैं, देखें जब पहिया जाम होगा तो जो शिफ्ट की गाड़ियाँ वो भी नहीं चलेंगी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी, तो जाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं तो बहुत तारबात उनको स्कूलों का जो तक आने के लिए मुश्किल होंगी। तो यकीनन उन्हें मैं समझता हूँ कि उन्हें इसका हिस्सा भी बनना चाहिए और वो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ट्रैक पहिया नहीं चलेगा तो वो स्कूल कैसे पहुँचेंगे। फिर भी हमारी जो स्कूल्स के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो जिम्मेदार हैं उनकी तंजीमें भी उनसे भी हमारी गुजारिश है और इसी तरह जो सरकारी स्कूल हैं उन असातज़ा इकराम और उन जिम्मेदारों से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो 5 सितंबर को इसका हिस्सा बने बजाय कि कोई तुलबा के लिए कोई मुश्किल ना पता। उमर साहब ये जो हड़ताल है इससे पहले भी हुई जो शटर डाउन है या पहिया जाम की सूरत में है, लेकिन शटर डाउन में करोड़ों रुपये का जो नुकसान होता है वो ताजरान को पड़ता है, उसमें ताजर का नुकसान है। तो पहिए का भी हवाले से ट्रांसपोर्टर है उसका वो नुकसान हो रहा है। तो ये आगे अगर ये 5 तारीख के बाद आप किस तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा सा बताएंगे और इसके आगे मजीद अगर एक दिन का शटर की कॉल देंगे या एक दिन की पहिए की देंगे या आप इसके बाद जो आप करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे नाते। देखिए इसमें 5 सितंबर को हमारा ये जब होगा यहाँ पे शटर डाउन होगा, ये जो एक तो बात आपने की कि नुकसान होगा, मैं समझता हूँ कि ये नुकसान ही है लोगों की यकीनन इसके तहरीक के साथ वाबस्ती, और मैं समझता हूँ पहले भी इसी तरह शटर डाउन है, ज़ाहिर है कुछ बड़े हमारे मकासद और मतालबात हैं उस उन पाने के लिए हमें बहुत सारी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
उसमें ताजर बरदरी है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, आम आवाम है, क्योंकि हमारा जब शटर डाउन होता है तो जो हमारा मेहनत कश तबका है, जो मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा वो मुतासर होते हैं। लेकिन हम मैं समझता हूँ कि इससे सारों से हमारी ये गुजारिश है कि वो इससे तहरीक में अपनी ये जो आपने कहा कि नुकसान, मैं समझता हूँ ये नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये उनकी कुर्बानी होगी। यकीनन जो उनकी कुर्बानी है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, वो यकीनन ये कुर्बानी रंग भी लाएगी। तो दूसरी बात जो 5 सितंबर के बाद के हवाले से, उसमें यह है कि हमारा जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान है, उनसे हमारी एक कमेंडमेंट हुई थी कि हम 31 और 5 सितंबर के बाद हम मिल बैठेंगे और इसका जो आइंदा का लाया अमल उस पर उसका ऐलान मुश्तरका तौर पर करेंगे, जो पूरी आज़ाद कश्मीर की सतह तक होगा, सिर्फ दो डिवीजन के तक महदूद नहीं होगा। वो ज़ाहिर है हमारी एक फाइनल और मरकजी कॉल होगी, और उसके पहले जो हम पहले डिसीजन ले चुके हैं कि जो बिजली के बिलात हैं, उस हवाले से कि बिजली के बिलात हम उस वक्त तक, यानी ये बिजली के बिलात ना जमा करवाना, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने महीने नहीं जमा करवाना। हम कहते हैं कि जब तक हमारी मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम आवाम से अपील करेंगे, ताजरों से, आवाम उन्नास से कि वो बिजली के बिलात जो है एहतियाजन जो है बिजली के बिलात ना जमा करवाएं। पहले जो हमारा ये पहला महीना था तो जुलाई के बिल अगस्त में आए, मैं समझता हूँ हमें बड़ी एक कामयाबी हुई बड़ी सतह पर, खास करके हमारे रावला कोट और कोटली के अंदर एक बड़ी तादाद में जो है, अभी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन 50% से अबव जो है लोग हैं जिन्होंने बिलात नहीं जमा करवाए, अपने बिल नजरियातश की, और जिनके बिल रहते भी हैं वो 5 सितंबर को अपने साथ लाएंगे और वो उनको एहतियात में वो नजरियातश किया जाएगा। एक आध डेढ़ हफ्ते के बाद जो बिलात दोबारा जो आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा, और ये जो अवाम है, ये आम लोग हैं, ये तवक्कात आपसे ले रहे हैं कि 5 तारीख की जो हड़ताल है ये कोई सामने लाएगी, जो पेशरफ्त सामने लाएगी, जो हुकूमती सतह पर हमें कोई कामयाबी होगी। अगर 5 तारीख की हड़ताल करने के बाद भी कोई अमलन कोई कामयाबी नहीं हुई तो अगले बिलात फिर लोगों को वो बढ़ा चढ़ा के आगे सामने आ गए, तो जो आम आदमी की कैफियत होगी वो क्या होगी? इसमें यह है कि एक तो यह है कि ये देखें, ये तालबात हमारे इतने बड़े हैं, इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, वक्ता जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि बिजली के मुतालिक जो मामलात हैं उसके हवाले से उसमें वक्ता उस पर इन्वॉल्व है। ये कोई सिर्फ हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की हद तक मामलात नहीं है। तो इसमें यह है कि ये ज़ाहिर है इसके लिए हम सारों को जो है इज्तमाही तौर पर अपने अपने ऐसे का किरदार अदा करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, और यकीनन जो है ये जरूरी नहीं कि 5 सितंबर पर, मैं समझता हूँ कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सबसे के साथ जो है कोशिश करेंगे कि बार बार अपने ताजर बने को ट्रांसपोर्टर्स को आजमाइश में ना डालें। सर आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि जहाँ जो तहरीक आगे भी जा रही है जिस तेज़ी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ जो पूरे डिवीजन में कुछ 5 जो बड़ी जिम्मेदारियाँ जहाँ पे लाई गई हैं, जो उस बड़े जिम्मेदार जो वहाँ पे ऑफिसर ऑफिस खुलेंगे और बैठेंगे, आवाम में उस चीज़ को लेके जा दिया जा रहा है कि इसमें बड़ी कामयाबी हमें हो गई है, इस थोड़ी सी एक नज़र इस पर डालेंगे, लेकिन अवामी सतह पर जो पज़ीराई इस पर मिल रही है वो मिल नहीं रही है उनको, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें यह है कि देखें, ये जो सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो हमारे हम पे मुसलत करता जो हुक्मरान हैं वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं हमारे इस पूरे सारे खत्े से स्टेडियम से कि जैसे को हम उनसे ट्रीट मांग रहे हैं। एक तो ये है कि अगर ये डिवीजनल हेडक्वार्टर था तो पहले से ये पोस्टें यहाँ पे होनी चाहिए अपनी चीफ इंजीनियर की, और ये जो चीफ्स हैं उनके जो उन्होंने बताए यहाँ पे 3-4 जो लोग जो मुख्य हैं एजुकेशन वगैरह थे उसके मतलब शराब के मतलब बदियात के मतलब ये पहले से बैठनी चाहिए थी, ये किसी का कोई एहसान नहीं है और शर्म होनी चाहिए मैं समझता हूँ उनको, कि ये जो उनके उस वज़ीर आज़म में झांसे की में आके तो वो जो लेके फिर रहे हैं जी कि हमने बड़ा कोई तीर मार लिया, ये तो आवाम का हक बनता था, ये ज़्यादा पोस्ट डिवीजन है डिवीजन हेडक्वार्टर है, ये तो पहले से ये पोस्टें और पहले से ये ऑफिसरान यहाँ पे होने चाहिए थे, इनका किसी का कोई कारनामा नहीं है, ये तो पहले से सारी चीज़ें रनिंग में थी और ये उसका वो क्रेडिट लेने के चक्कर में और आवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाम जो है इनके सारे उसको जान चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो इस मेंबरान असम्बली हैं जो हमारे डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं मुफ्ती पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन अमलन जो है वो इससे पीएम के साथ इसके उसकी गवर्नमेंट में हिस्सेदार हैं, वो सारे उसकी उस पर कर रहे हैं, वो तो रातों रात उन्होंने उसको 48 वोट डाले और उसकी वो हुकूमत इस वक्त अपोजिशन नाम की तो चीज़ हुकूमत में इस हमारे इस असम्बली के सेटअप में है ही नहीं है,
तो वो वैसे जो है ऐसा हमारे एहतियात के उसके काउंटर में जो है ऐसी बातें ताकि लोग जो है अवाम एहतियात से ना जुड़े, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ अवाम शौरी तौर पर बेदार हो चुके हैं, वो अपने हकूक़ के लिए वो बाहर निकल चुके हैं बिला तख़सीस पार्टी, बिला तख़सीस किसी मसलक, बिला तख़सीस किसी नज़रिया। वो अमलन तौर पर वो मुख्तलिफ़ पार्टीज मुख्तलिफ़ लोगों से उनका तल्लुक है, जो बाहर आ रहे हैं जो इस एहतियात का हिस्सा बन रहे हैं, वो एक खुशाइन बात है कि वो शौरी तौर पर उनके अंदर एक बेदारी पैदा हुई है। मुसा आखिर में आप अवाम को जो 5 सितंबर का इंतजाज है इस एहतियात के हवाले से जो पैगाम देना चाहें, हमारे नाज़रीन भी उसको देख रहे हैं, वो अवाम के लिए भी एक मैसेज देना चाहें तो वजह से इसमें मुख्तसर जो है यही है कि अवाम उन्नास से जो ताजर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या आम अवाम हैं, उनसे हमारी अपील है कि इस तहरीक के अंदर इसमें अपना हिस्सा डालें, अपनी जान माल वत की कुर्बानी दें। जो लोग धरने में शरीक हो सकते हैं वो धरने में शरीक हों, जो एहतियात में आ सकते हैं वो एहतियात में आएँ। और इसी तरह ये भी मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी सारों की बहुत बड़ी कुर्बानी होगी कि आप रजाकाराना तौर पर अपनी गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी उस दिन ना चलाएँ, अपनी तमाम तरह मसरूफियात को बाला ताक रखें और एक पैगाम दें, इज्तमाही पैगाम दें कि हुक्मरान तबकात के खिलाफ जो रेफरेंडम है, जो इजहार नफरत है, वो आवाम का जो गम गुस्सा है उसका अमली तौर पर इजहार करें। और दूसरी बात है जो हमारी हमारी अपील है सारे हमारी अपनी घरों में बैठी हुई अपनी माओं बहनों से कि वो भी इसका हिस्सा बने। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटेस्ट में आएँ या सड़कों पर आएँ, लेकिन अमलन तौर पर वो भी मैं समझता हूँ कि इस तरीक से वाबस्ता जो लोग हैं, इस तरीक में जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अपने बच्चों समेत अपनी बच्चियों समेत हाथ बुलंद करें, रब ताला के हुज़ूर दुआ करें ताकि ये हमारी तहरीक कामयाबी से अमकरार होगी इंशाल्लाह। जब उलमाए कराम हमारी माएँ बहनें भी इससे तहरीक यकीनन पहले भी दुआएं करती हैं अभी दुआएं करेंगी तो यकीनन हम कामयाबी से अमकरार होगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे सदर उमरजीत साहब से। उमर साहब बता रहे थे कि पूर्ण देवियों में जो हड़ताल होने जा रही है आज़ादाना तौर पर होगी, किसी किस्म की रुकावट रोड पर नहीं डाली जाएगी, ना ही कोई शटर जबरन बंद किया कराया जाएगा। आप इसी हवाले से और पूंछ डिवीजन की आवाम जो है मीरपुर डिवीजन की आवाम के साथ 5 तारीख को बाहर निकलेगी, अपने हक की खातिर निकलेगी। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपने मेजबान जफर नज़ीर को, अल्लाह निगहबान। हर वक्त आपको रखे बाखबर, हमेशा सच की खबर पर न्यूज़।